बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने 60वें जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं से नोटबंदी के दौर में जरूरतमंदों की आर्थिक मदद कर उनका जन्मदिन कल्याणकारी बनाने की अपील की है। इस दौरान मायावती ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और बीजेपी सपा पर गठजोड़ कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। अपने जन्मदिन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी समाजवादी पार्टी पर चुनाव फिक्सिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि वोटों की सियासत के लिए सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। वहीं कांग्रेस को मायावती ने वेंटिलेटर पर बताया। बसपा प्रमुख ने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर ही बीजेपी को उनके परिवार के कारोबार में गलतियां दिख रही हैं। अगर उनके परिवार के छोटे मोटे कारोबार में कोई गड़बड़ी थी तो 2.5 साल से बीजेपी चुप क्यों थी। मायावती ने बीजेपी पर अपने खिलाफ घिनौने षड्यंत्र करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का यह दाव उन्हें ही उल्टा पड़ेगा। मायावती ने अमित शाह पर सीधा वार करते हुए कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मेरे और परिवार की संपत्ति के बारे में जानने की ज्यादा दिलचस्पी है। मेरी मांग है कि देश की सभी पार्टियों के 300 बड़े नेताओं और उनके रिश्तेदारों की लिस्ट बनाकर उनकी संपत्ति की जांच कराई जानी चाहिए, जिससे असलियत सबके सामने आ जाए। जब जब विरोधियों ने बसपा के खिलाफ घिनौने हथकंडे अपनाए हैं, तब तब बसपा और ताकतवर बनकर उभरी है। तो विधानसभा चुनाव से पहले जहां सपा आपसी कलह में व्यस्त है, तो वहीं मायावती लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से मुखातिब हो रही हैं और भाजपा के आरोपों का करारा जवाब दे रही हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।